अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वॉचिंग गुरु स्किल चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरु स्किल के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुरु स्किल्स के नए टॉपिक के साथ आज क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि टाइटल में भी आपको बता दिया गया है कि आज हम फॉर लूप्स के हवाले से बात करेंगे। फॉर लूप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स से काफ़ी अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों ने जो हमारा लास्ट टॉपिक था व्हाइल लूप्स के हवाले से, उसकी आपने प्रैक्टिस भी की है, और जिनकी कोई प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व भी किया गया है। तो अब आपको हम फॉर लूप्स की तरफ लिए चलते हैं। इससे पहले आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पाइथन जो है इसके दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं, एक जो है व्हाइल लूप्स हैं और दूसरा फॉर लूप्स हैं। व्हाइल लूप्स के हवाले से आपको लास्ट हमारे लेक्चर में बता दिया गया। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो दोबारा उसी लेक्चर पर जाए और उस लेक्चर को अच्छी तरह प्रैक्टिकली परफॉर्म करे। तो आज हम फॉर लूप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो फॉर लूप आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये लिस्ट हो, टप्पल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो या स्ट्रिंग हो। लाइक जो है ये आपका आइटरेटर मेथड है और इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, जो कि वंस जो आपकी ईच आइटम इन अ लिस्ट टप्पल या सेट ईटीसी वगैरह पे ये परफॉर्म होता है। तो प्रैक्टिकली इस फॉर लूप को आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एक चीज जो आपको फॉर लूप में हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी आप लिस्ट वगैरह यूज करेंगे तो उसमें इंडेक्सिंग की जरूरत आपको फॉर लूप में नहीं होगी। अब कोई लिस्ट है तो उस लिस्ट कोई भी लिस्ट, जैसे कि हम एक फ्रूट की लिस्ट बना लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसका जो तमाम फ्रूट हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हों और डिस्प्ले हो प्रिंट स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप एक एक फ्रूट को एग्जीक्यूट करवाने के बजाय आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स की हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ फ्रूट हम एप्पल, बनाना, चेरी, ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। इस पे हम अब फॉर लूप अप्लाई करेंगे। फॉर एक्स एक वेरिएबल है इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स। तो अब ये जितने भी फ्रूट्स होंगे ये वन बाय वन आपके डिस्प्ले होंगे। यहां पे आपका सिंटैक्स एरर था, यदि ये देखें फॉर लूप्स, जैसे कि आम हमें वन बाय वन फ्रूट डिस्प्ले करवाना पड़ता था प्रिंट स्क्रीन के जरिए, अगर हमने लूप का इस्तेमाल किया तो इसने ऑटोमेटिकली
आपकी पूरी लिस्ट वन बाय वन जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट थे, जैसे एक लिस्ट फ्रूट की थी तो उसमें तीन हमारे फ्रूट थे, तो ऑटोमेटिकली उसने वन बाय वन उनको डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह अगर हम किसी एक, जिस तरह लूप्स के जरिए वन बाय वन वैल्यू डिस्प्ले होगी है, इसी तरह सेम अगर हम एक वैल्यू या एक लेटर को उसमें फॉर लूप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो उसको एक एक करेक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं एक एप्पल एक्स इन एप्पल करके और इसको अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो ये देखें आपका ALPLE उसमें से उसने लूप वन बाय वन आपका जो करेक्टर है उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो बाज दफा आप चाहते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट वाइल लूप में चेक किया था कि को ब्रेक स्टेटमेंट हो, यानी कि एक अगर कंडीशन आपकी नेट हो जाए तो वहां पे ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए मैं सेम वही अपना कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। हमारी लिस्ट है फ्रूट की लिस्ट को हम उसमें हम कंडीशन ऐड कर देते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू एप्पल चेरी, बल्कि बनाना बनाना हो जाए तो आपकी यहाँ पे ब्रेक, इसको इंसर्ट भी कर लें ऊपर, ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, सेम अगर हम यहां पे कंडीशन ब्रेक की यूज की है तो देखें कि उसने लिस्ट में से लूप्स को एग्जीक्यूट किया है और जहां पे हमारा बनाना आ गया है उसने वहां पे स्टॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एप्पल कर दूं तो हमारा बनाना और चेरी जो है वो एग्जीक्यूट डिस्प्ले नहीं होंगे, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम है, इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अलावा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम यूज की थी वाइल लूप में, तो उसका मकसद ये होता है कि आपके जो करंट इटरेशन ऑफ लूप होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है और कंटिन्यू नेक्स्ट करवा दिया जाता है। उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट इन फॉर लूप्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें आप वही सेम उसको कॉपी किया हमने एक लिस्ट को, तो यहां पे अगेन हम एक कंडीशन मेट करवाएंगे टाइप करके, एक्स इज इक्वल टू एप्पल, ये प्रिंट हमारा खत्म हो जाएगा यहां से। तो उसने जो आपकी एप्पल वाली कंडीशन थी, यानी कि एक वेरिएबल आपका एप्पल के इक्वल हुआ, तो उसको उसने स्किप करवा के अगली जो आपकी नेक्स्ट स्टेप था, जो नेक्स्ट कंडीशन थी, वहां से आइट्रेशन स्टार्ट कर दी और बनाना और चेरी आपका डिस्प्ले हो चुका है।
इसे और एप्पल उस की वजह से कंटिन्यू, क्योंकि आइट्रेशन, एक आइट्रेशन जो कि करंट थी उसको स्टॉप कर दिया गया, नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम रेंज फंक्शन भी सेट कर सकते हैं इसमें। रेंज फंक्शन कैसे यूज होगा फॉर लूप में? रेंज फंक्शन इन फॉर लूप्स इन पाइथन प्रोग्राम। रेंज का जो है वो उसमें एक सेट ऑफ हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स उसका जो लूप है उसकी रेंज को फंक्शन के साथ सेट कर देते हैं, और ये जीरो से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है और एक इंक्रीमेंट होता है इसमें बाय डिफॉल्ट, और एंड भी एक स्पेसिफाइड नंबर पे रेंज में आपके जो फंक्शन सेट होता है उसमें एंड भी एक स्पेसिफाइड नंबर पे होता है। इसको कैसे करना है? जो लास्ट वाली वैल्यू है वो उसमें ऐड नहीं होती, लिहाजा इसको फॉर इन एक वेरिएबल है और हमारी रेंज है 10। हम इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करवाएं तो ये देखें जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, और ये जीरो से नाइन तक जो है उसने उसको प्रिंट करवा दिया है, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो इसमें नहीं इंटर या इंक्लूड होगी। तो इसी तरह आप इसके दो पैरामीटर दे सकते हैं, लास्ट और स्टार्टिंग वाला। अगर मैं यहां से कहता हूं कि मुझे स्टार्टिंग इसकी 2 और एंडिंग 10 पे चाहिए, तो अब ये देखें कि उसने 2 से इसको रेंज को स्टार्ट किया है और 9 पे, जैसे कि आपको पहले बताया लास्ट वाली वैल्यू उसमें शामिल नहीं होती, तो उसने उस वैल्यू तक इसको एक्सिक्यूट कर दिया है। अगर सेम में इस रेंज में मैं चाहता हूं कि जो आपका इंक्रीमेंट है वो 4 का हो, यानी कि 2 से स्टार्ट हो 10 तक जाए लेकिन 4 का हो गैप इसमें, तो उसको देखें आपका 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 1 9 तक जाना था, लिहाजा आपका जो आंसर है वो 2 और 6 शो हो गया है। अब जिस तरह वाइल लूप्स में हमने एल्स का जो है वो एल्स को यूज किया था इन वाइल लूप में, इसी तरह हम फॉर लूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब वही सेम हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, उसको रेंज दे देंगे, रेंज देने के बाद जो भी वैल्यू होंगी उसको डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके बाद इसके जब ये वाली हमारी जो रेंज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद हम एल्स ये रखते हैं कि एल्स प्रिंट करवा देते हैं कि ऑल नंबर्स एग्जीक्यूटेड।
तो इसका आप रिजल्ट देखें, तो इसमें उसने आपका फर्स्ट वाला लूप एग्जीक्यूट करवाया और उसके बाद जब आपके तमाम नंबर जो आपकी कंडीशन दी गई थी एग्जीक्यूट होने के बाद उसने अगली एल्स वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट करके आपको प्रिंट स्क्रीन करवा दिया है। सेम लाइक जिस तरह हमने वाइल लूप में नेस्टेड इफ लूप्स यूज किए थे, इसी तरह हम फॉर लूप नेस्टेड इफ लूप्स इसमें भी यूज करेंगे लूप्स के अंदर, यानी कि नेस्टेड लूप से मुराद एक लूप के अंदर एक और लूप होता है और जो इनर आपका लूप होगा वो एक दफा होगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो आउटर पे साथ साथ पड़ता जाएगा। इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म भी करेंगे, जैसे वो एक एग्जीक्यूट होगा इनर लूप तो आउटर लूप पे उसको एग्जीक्यूट का इम्पैक्ट डाल के अपना फिर नेक्स्ट वो दोबारा अपने रोटेशन पे आ जाएगा। इसको अभी नेस्टेड इफ लूप्स में आप वही सेम एक हमने लिस्ट ले ली, लिस्ट में अब वहां पे हम फॉर एक्स इन फ्रूट्स करके इसके अंदर एक और हम लूप यूज करेंगे फॉर वाई इन फ्रूट्स। अब ये दोनों कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कहाँ पे इशू है, सिंटैक्स एरर आपका यहाँ पे होगा। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो इसके लिए आपको दो, आप एक ही यहां पे वेजिटेबल्स दो आपको लिस्ट लेनी पड़ेगी। दो जब आप लिस्ट ले लोगे तो उसमें फिर आप कोई दूसरी जो लिस्ट है उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लें आप अपने मुताबिक ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सकें। इसमें आप टोमेटो पंपकिन, अच्छा क्योंकि सेम दोनों ने तीन तीन वेजिटेबल हैं तो हम सेम उसको यहाँ पे हम फ्रूट्स और यहाँ पे अगर वेजिटेबल्स करें फॉर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो इंडेंटेशन इशू आ रहा है आपका। ये देखिए उसने दोनों को एप्पल को फर्स्ट टाइम लिया है, फिर उसने ऑनियन टोमेटो पंपकिन तीनों के साथ उसने एक आइट्रेशन कर दिया। इसी तरह बनानों को लेके बनाना ऑनियन बनाना टोमेटो बनाना पंपकिन इस तरह आइट्रेशन इनर जो है वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा तो आउटर पे वो इम्पैक्ट ऑल पे डालेगा। इसी तरह सेकंड लेवल पे टोमेटो पे गया है तो उसने ओवरऑल उस पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो नेस्टेड इफ इस तरह यूज होगा। तो
नेक्स्ट था कि आप फॉर लूप्स, आप चाहते हैं कि फॉर लूप्स का कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है या सिचुएशन आ जाती है कि आप कोई एरर, जैसा कि हम व्हाइल लूप्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई एरर शो ना हो लेकिन वो स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी आ जाती है, तो वहाँ पे हम पास स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट आपको एरर से अवॉइड करेगी, जैसे कि फॉर एक्स इन जीरो टू फाइव, हम बिलफर्ज एक रेंज रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही करता हूँ एग्जीक्यूट, तो इसमें आप देखेंगे उसी वक्त उसने एरर दे दिया है। अगर यहाँ पे मैं इसको पास लिख दूँ तो आपका जो एरर है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो अब डिस्प्ले नहीं होगा। तो पास का मकसद लास्ट जो हमने बताया था सेम उसी तरह इस फॉर लूप में भी सेम ही होगा। तो आज आपके फीडबैक और आपकी सजेशंस के मुताबिक हमने फॉर लूप्स को थोड़ा डीपली डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सके। उम्मीद है आज का टॉपिक और हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए कमेंट करें, आपके फीडबैक को तरजीह दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।